आपके सामने यह है बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी नेता ने कहा पश्चिम बंगाल पुलिस को अगले विधानसभा चुनावों से दूर रखा जाए। यह बहुत अहम बयान है और इसका एनालिसिस मैं कुछ इस तरह से करना चाहूंगा, यानी कि दबे स्वर में जिस बात की चर्चा की जाती रही थी उसकी जमीन तैयार की जा रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जमीन तैयार की जा रही है। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पोलिंग बूथ से या विधानसभा चुनाव से दूर कैसे रहेगी? यह तब तक नहीं होगा जब तक पुलिस केंद्र सरकार के या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ना आए, यानी कि जमीन यहां तैयार की गई है। मगर मैं कैलाश जी से कुछ और पूछना चाहता हूं। कैलाश जी, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस को अगले विधानसभा चुनावों से दूर रखा जाए, आपको किस बात का डर है? क्योंकि जब बिहार के चुनाव हुए थे तो कई स्वतंत्र जानकार और तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रशासन का इस्तेमाल करके कम से कम 5 सीटों के चुनावों के नतीजों पर असर डाला है। तो यह शिकायत वो लोग वहां कर रहे थे, तो तब आप लोगों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था यह कहते हुए कि जो हार जाता है वो इस तरह की बातें करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो तर्क आपने बिहार में लगाया वो तर्क आप पश्चिम बंगाल में लगाने को तैयार क्यों नहीं है? आप पश्चिम बंगाल की पुलिस पर एतबार क्यों नहीं करते हैं बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपने बिहार के विधानसभा चुनावों में वहां के प्रशासन पर एतबार किया? सही कहा या गलत कहा मैंने दोस्तों?